हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं पर्वत बोल रहा हूँ। दरअसल मेरे को है ना, कुछ याद याद नहीं रहता है, उसका कोई है इलाज? क्या नहीं होता, याद नहीं रहता? हाँ, एसिडिटी थी आपको पहले, उसका क्या हुआ? कुछ है इसका इलाज? आपको पहले एसिडिटी थी, उसका क्या हुआ, उसका तो बताइए। हाँ, एसिडिटी में मेरे को नॉर्मल हो गई है। मतलब मेरे को बहुत फायदा हुआ, मतलब मैं जितना परेशान था वो उससे मेरे को 70% समझो सही हो गया। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो भिवंडी से। भिवंडी से बोल रहे हैं। इसको कंटिन्यू करिए, 1-2 महीने में सारी जगह मतलब एसिडिटी भी ठीक हो जाएगा और बाकी जगह भी फायदा हो जाएगा। आप वॉक एंड रेस्ट करते हो ना, सुबह चलना और रेस्ट करना, वो नहीं हो पा रहा है। वो करो ना, उसी से तो होगा बाकी याददाश्त वगैरह का और बाकी सब चीजें। वो अच्छा, करते तो अभी मतलब तक 100% हो जाता। अगर ऐसे वो जो रामदेव बाबा वो पेट को ऊपर नीचे करते हैं, उसका उससे करने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान होगा, एसिडिटी और बढ़ जाएगी। ऐसा है क्या? मैं तो सारों 2-3 दिन से अभी चालू किया हूं मैं। हाँ, लेकिन मेरे को फायदा कुछ नहीं हुआ उससे। हाँ उससे नुकसान होता है, उससे एसिडिटी उसी की वजह से होती है। हाँ 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 तो अभी बस रेस्ट करना और चलना, यही मतलब हाँ, कंटिन्यू करो। सोने से पहले भी करो और बाद में भी करो, सॉरी, रात को सोने से पहले करो और उठ के सुबह करो 1-1 घंटा, उससे मेमोरी वगैरह सब ज्यादा ठीक हो जाएगी। अच्छा। हाँ, वो एसिडिटी में तो मेरे को फर्क पड़ा है। इसमें भी फर्क पड़ेगा, आप करो तो सही। इसमें सब चीजों में फर्क पड़ता है, इसमें एक चीज में नहीं पड़ता, इसमें सब चीजों में फर्क पड़ता है। आपको जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा अगर करते रहोगे तो। जैसे वो जो सर है ना, एकदम पूरा जैसे बांध के रखा पूरा ऊपर से। हाँ मतलब अभी हाँ, तो आप ये करो ना, वॉक एंड रेस्ट आप 2-3 दिन करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कितना आराम मिलता है इसमें। उससे पूरा ठीक नहीं होगा, जो पानी का था ना, उससे हाँ, पूरा ठीक नहीं होगा, एसिडिटी फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी अगर ये नहीं करोगे तो। ऐसा है क्या? हाँ, नहीं तो मैं अभी भिवंडी है, पहले गांव में था तो उधर मैं घर पे था तो अपन कर सकते थे। इधर क्या ड्यूटी पे लगाऊं? कोई ना कोई तरीका निकालो ना, उसमें ड्यूटी पर है तो मतलब लेट नहीं सकते, बैठ जाओ या कुछ ना कुछ तो करने का आपको सोचना पड़ेगा। मैं अच्छा, आपको देखो, बैठने से काम हो जाएगा? लेटना सबसे अच्छा होता है, पर अगर लेटने का किसी वजह से नहीं हो रहा तो करो और बैठ के करो, और अगर सोने का टाइम है, सोने से पहले तो आप कर ही सकते हो ना, हाँ, तो सोने से पहले करो। अच्छा। आप टाइम और निकालने की कोशिश करो, निकल जाएगा, बिल्कुल ये जरूरी। पानी हाँ, पानी अपन जैसे मैं कम करूं तो मेरे को डिहाइड्रेशन तो नहीं होएगा? हाँ होगा क्यों नहीं होगा, कभी कम कर लो कभी ज्यादा कर लो। मैं आपको दोबारा से, ये नंबर व्हाट्सएप पर है ना? हाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। हाँ, मैं भेज देता हूँ। उसमें 3-4 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी बढ़ा लिया करो। अच्छा, तब नहीं होगा। तो मतलब कितना, जैसे आप मेरे को 3 गिलास बोले थे लेकिन ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली क्या, पसीना निकल जाता है ना तो मेरे को ये पूरा जुबान सूखने लगता है। हाँ, आप 3 दिन में एक बार तो मतलब, पहली बात तो 3 गिलास जैसे आपको आराम मिल गया ना थोड़ा सा, तो 3 का 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जब आपको ज्यादा प्यास लगती है, जिस दिन ज्यादा गर्मी लगे ना, तो 3-4 दिन में एक बार बढ़ा के 2 लीटर कर लिया करो, 6-7 गिलास 8 गिलास कर लिया करो, अच्छा, कभी कभी बढ़ा लिया करो, उससे जो कमी होगी पानी की वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। और मतलब खाने समय एक ही गिलास पीने का, ज्यादा नहीं ना? कितनी रोटी खाते हैं आप? मैं 4 रोटी। हाँ, 1 गिलास काफी है, 1 से 1.25 गिलास हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है पर बहुत ज्यादा नहीं। मतलब ये नहीं कि 2 गिलास 3 गिलास पी लिया, 1-2 घूंट एक्स्ट्रा अच्छा लेना है तो ले सकते हैं। अच्छा मतलब 1 गिलास से ज्यादा नहीं, मतलब 1 गिलास से मैं कहता हूँ, थोड़ा सा कभी ज्यादा मतलब जैसे कुछ नॉन वेज खाया नहीं। है। एक्चुअली क्या, नहीं मैं कभी कभी एक लोटा पी लेता, मतलब 2 गिलास के लगभग। नहीं वो बहुत तो बंद करिए। क्या? अच्छा 4 रोटी का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। कभी आप पनीर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो ज्यादा प्यास लग जाती है ना प्रोटीन ज्यादा हाँ खाने से, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा ले लो अच्छा, खाने के हिसाब से। अगर सिंपल खाना खा रहे हो, दाल रोटी और ये खा रहे हो, तो कम ही रखो 1 गिलास। मतलब ये सुबह खाते समय 1 गिलास, फिर दोपहर में 1 गिलास और फिर शाम को, मतलब पूरे दिन हाँ में 3 ही गिलास। हाँ उसके अलावा भी खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले भी 1 गिलास ले सकते हो कभी कभी, अच्छा, वो भी 1-2 गिलास ले लिया करो दिन में, 5-6 हो जाना चाहिए।
मतलब पूरे दिन में 5-6 गिलास चलता है ना? हाँ चलता है चलता है, खाने से 3 घंटा पहले, ओ सॉरी खाने से 1 घंटा पहले। हाँ खाने से एक तो खाना पहले। एक तो खाने के साथ हो गया, एक खाने से 1 घंटा पहले कर लो, 1 गिलास ना। मेरा है ना 90 किलो वजन है, वो हिसाब से मेरे को पानी थोड़ा लग रहा है। हाँ तो आप ये चलने का करेंगे तो वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा, महीने का 4-5 किलो वेट कम हो जाएगा। चलने पर ध्यान दीजिए, एक साथ बस ज्यादा नहीं चलना है, एक साथ नहीं ज्यादा चलना है, 5 मिनट ही चलना है बस। 5 मिनट चल के फिर बैठ जाना है ना? हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक।